फेसबुक पर सभी साथियों को, दोस्तों को नमस्ते प्रणाम। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खैर, कविता कोश पर एक कविता पढ़ी त्रिभुवन कौल जी की, बेचारा आम आदमी। अच्छी लगी तो सोचा कि क्यों ना इसे फेसबुक पर आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। कविता कोश पर आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कविता कोश पर आपको ई पुस्तकें, ई पत्रिकाएं भी पढ़ने के लिए मिलती हैं। त्रिभुवन कौल जी की कविता बेचारा आम आदमी। गांधी जी के तीन बंदर, तीनों मेरे अंदर, कुल बुलाते हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, पर देखता हूं, सुनता हूं, कहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं। स्वतंत्र होते हुए भी मैं पराधीन हूं। एक दुस्वप्न सा जीवन जीने को मजबूर हूं। हर रोज नई भोर के संग नई आस का घूंट पीता हूं। कल अच्छा नहीं था, आज अच्छा होना चाहिए, ये सोचकर ही तो जीता हूं। महंगाई की मार, घोटालों की धमक, गिरते मूल्यों के बीच नोटों की चमक, रोष भरपूर है पर दोष किसे दूं? आम आदमी हूं, मन की किसे कहूं? महाभारत सी बन गई है मेरी जिंदगी, एक चक्रव्यूह में फंस कर रह गई है मेरी जिंदगी। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, सरीखे मौकों की तलाश में हमेशा रहते हैं। धृतराष्ट्र और भीष्म जैसों के मुंह पर हमेशा की तरह ताले पड़े रहते हैं। आज भी अभिमन्यु जैसे नौजवान चक्रव्यूह ना भेदने का बोझ ढो रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं द्रौपदियों के चीरहरण हो रहे हैं। तब एक द्रौपदी के पीछे मचा था महाभारत, आज आंखें खोले सबके सब महारथी सो रहे हैं। आज के इस भारत में महाभारत के पात्र सब उपस्थित हैं, पर कृष्ण नदारद हैं। हजारों अर्जुनों के हाथ गांडीव तो हैं, पर उन्हें एक नई गीता की अपेक्षा है। इसी आस में आम आदमी जीता है, बस जीता है, गांधी जी के तीन बंदरों की तरह। उम्मीद है त्रिभुवन कौल जी की ये कविता बेचारा आम आदमी आपको समझ आई होगी।